हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि किसी भी मोबाइल को आप जो ऐसे यहाँ पे स्क्रैप बोर्ड है मेरे पास दो, इसको किस तरह से आपको टेस्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे रिपेयर करना है, और इस स्क्रैप बोर्ड को आप यूज़ में लेना चाहते हो अगर तो किस तरह से आप इन बोर्ड, देखिए ये बोर्ड में MMC नहीं है और ये बोर्ड में काफ़ी डस्टी बोर्ड है और ये बोर्ड हल्का हल्का टेढ़ा भी लग रहा है मुझे, और इस बोर्ड में जैक वगैरह भी टूटे हुए हैं, यहाँ पर जैक भी टूटा हुआ है। और इसमें भी देखो आप जो है सारे पत्रे जो हैं इसकी जो टोटल पत्रे जो है निकले हुए हैं CPU के, बस यही दो लगे हुए हैं, बाकी इधर सब निकले हुए हैं पावर IC सेक्शन के, नेटवर्क सेक्शन के। तो इस कंडीशन में अगर ये स्क्रैप बोर्ड है तो क्या ये स्क्रैप बोर्ड आपके यूज़ लायक है या नहीं, इसको चेक करना है। क्या ये स्क्रैप बोर्ड आपका ऑन हो सकता है नहीं, क्या ये स्क्रैप बोर्ड में पावर सिक्वेंस सही है नहीं, इन चीज़ों को हम जो है स्टेप बाई स्टेप आज देखने वाले हैं। तो इसमें हम कोई भी एक बोर्ड चूज़ करेंगे आज और उसी को हम इसमें रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें रिपेयर होता है या नहीं होता है। तो इसमें हम EMMC प्रोग्राम करके लगा देंगे, अगर ये हमारा रिपेयर हो जाएगा तो इसमें EMMC चेंज कर सकते हो आप, या फिर इसमें EMMC आप लगा सकते हो, जैसे भी आप इसमें EMMC रीप्रोग्राम करके आप लगाओगे तो इसकी जो है ये कंडीशन ऑन हो जाएगी ये इसकी फ्लैश फाइल द्वारा। लेकिन अगर आप इस बोर्ड को रेडी कर लेते हो तो आप किसी भी बोर्ड को इसमें स्वैप कर सकते हो, यानी किसी दूसरे के CPU MMC को इसमें इजीली ला सकते हो, जिससे कि कस्टमर का डेटा जो है सेफ रह जाएगा। यानी कि मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है, मोबाइल डेड है किसी वजह से, तो आप स्क्रैप बोर्ड इस तरह की मार्केट से परचेज करके उनको आप मेरे इस मेथड से टेस्ट करके उसे आप रिपेयर करके रख सकते हो। जब भी आपका मोबाइल, आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आए जो आपसे रिपेयर नहीं होता है, बोर्ड डैमेज है, इंटरनल लेयर में काफ़ी लेयर्स कटे हुए हैं, काफ़ी सर्किट कटी हुई है, तो आप उस बोर्ड को, उसकी CPU और MMC को इसमें उतार के डाल सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो है मोबाइल ऑन हो जाएगा और कस्टमर का पूरा डेटा वैसे का वैसे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। अभी जो है हम इसे बोर्ड को रिपेयर करेंगे। यहाँ पे जो बोर्ड है ये Redmi 5 Plus का है, ये हमारा Redmi 5 Rosy का है। आप कहोगे मैं इसका भी बना दूंगा आने वाले टाइम में, इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा हमारा, इसका जो बाद का वीडियो होगा उसमें मैं इसे दे दूंगा। आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे Redmi 5 Plus में जो है किस तरह से हमको काम करना है, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करना है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम कहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक CC फ्लैक्स केबल, जिसकी मदद से हम यहाँ पर वोल्टेज इन करेंगे, और इसकी इनपुट के बाद इसका VPH चेक करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। VPH के बाद जो हमारा पावर IC का आउटपुट लाइन है वो बनता है नहीं बनता है, किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करने के बाद जो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें मेरा मोबाइल जो है ये रेडी हो चुका है स्वाइपिंग के लिए, या फिर इसे हम MMC डाल के, MMC प्रोग्राम करके इस मोबाइल फ़ोन को हम ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हमें यहाँ पर CC फ्लक्स मिला है, ये भी स्क्रैप में ही मिला हुआ है। इसमें देखिए ये केवल ऐसा पड़ा हुआ है, तो इसको जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, ये लग गया, और चलिए पहले इसको हम निकाल के इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं। तो आपको माइक्रोस्कोप पर ले चलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे आपको देखिए बोर्ड नज़र आ रहा है। इसमें बैटरी कनेक्टर के पास सबसे पहले आपको शॉर्ट सर्किट चेक करना है, ये ग्राउंड है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, यानी कि बैटरी कनेक्टर में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। सेकेंड, आपको VPH में शॉर्ट सर्किट चेक करना है, क्योंकि अक्सर स्क्रैप बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होते हैं, नहीं है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर में एक साइड ग्राउंड है लेकिन दूसरे साइड ग्राउंड नहीं है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब GR ले लेते हैं, तो रिवर्स बायस में हमें GR चेक करना होता है ब्लैक प्रॉप से, तो GR भी 326 का, VPH का GR भी हमारा गुड है। फॉरवर्ड में क्या आ रहा है देखते हैं, 1600 आ रहा है, 1700, यानी कि कंडीशन इसका VPH का सही है GR। और अब जो है हम इसका बैटरी का ID और थर्मल का देखेंगे, 1300 ID का और थर्मल का 600 कुछ, बैटरी पॉजिटिव का 425 रिवर्स में, और फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में 1000 के समथिंग है, यानी कि ये भी गुड कंडीशन ही है, चलने के कंडीशन में है ये। VPH की पावर का लाइन बन रहा है नहीं बन रहा है, VPH पावर सप्लाई बन रही है नहीं बन रही है इसकी PMI से, मैं दिखा दूँ इसका कंडीशन क्या है, बोर्ड का कंडीशन माइक्रोस्कोप पे देखो आप, WTR के पूरे सेक्शन में पूरा पेस्टेड है। इधर देखो ये RF पे हीट है, कैपेसिटर रिमूव है, इधर देखो एक सेंसर रिमूव है, इधर देखो क्रिस्टल पे भी पेस्ट लगा हुआ है, IC पे भी पेस्ट अंदर लगा हुआ है। उसके बाद देखो जैक नहीं है, यहाँ पे जैक नहीं है, इसकी जैक टूटी हुई है। यहाँ पे देखो MIPI लाइन ब्रेक है, 3 कंपोनेंट MIPI लाइन के यहाँ पे निकले हुए हैं, 2 बचे हुए केवल, टोटल 5 होते हैं। बाकी आपके यहाँ पे देखो ये तो प्रोटेक्शन डायोड है, ठीक है, बाकी इस साइड में देखते हैं, इधर में MMC चिप नहीं है,
यहाँ पे प्रोटेक्शन डायोड निकली हुई है, यहाँ पे कॉइल लाइट कॉइल फूटी हुई है, मैं सारी चीज़ों को नोटिस करा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट निकाला गया है, जो भी होगा वो देखना होगा। इधर में देखिए यहाँ पे काफ़ी रस्ट है, ये जो हमारी छोटी सी आईसी दिख रही है काफ़ी रस्ट है, एपीडी आईसी को भी हीट किया गया है, तो बोर्ड पूरा स्क्रैप ही है ये। और एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, इसकी जो लाइट ग्लो करती है, दोनों आईआर सेंसर और एलईडी जो है वो दोनों निकली हुई है, वाइट एलईडी दोनों यहाँ पे निकली हुई है। तो ये पूरा बोर्ड स्क्रैप में ही था, इसको हमने अब टेस्ट करना है। और सबसे पहले हम इसमें पावर डालेंगे, क्योंकि हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट नहीं है। यहाँ पे वी बस में भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है वी बस में भी, क्योंकि वी बस का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो वी बस लाइन में हाँ ठीक है, 500 के समथिंग आ रहा है, फॉरवर्ड में कितना आ रहा है, 2800। चलिए ठीक है, इसमें हम पावर डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो इसको पावर देने से पहले हम आपको इसको यूएसबी चार्जर में लगा के दिखाएंगे कि कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इसकी बैटरी नहीं है मेरे पास, फिर भी विदाउट बैटरी हम इसको ट्रेस करेंगे। तो चार्जर में हम इसको लगाते हैं, चार्जर में ये लग चुका है, लेकिन चार्जर में 00 करंट जो है शो हो रहा है, कोई भी करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, 00। ठीक है, अब आ जाइए माइक्रोस्कोप पर, अब हम आपको दिखाते हैं मल्टीमीटर में कि वोल्टेज कहाँ पे बन रहा है कहाँ पे नहीं बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको बैटरी कनेक्टर के ऊपर में टेस्टिंग करना है। तो हम जो है वोल्टेज रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे और बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे वोल्टेज चेक करते हैं, नहीं है वी बस चेक करते हैं। वी बस की एंट्री हो रही है 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट इसमें इन हो रहा है जैक से। डीपीडीएम पे क्या है, 0.6 डीएम पे, 0.6 डीपी पे और 3 वोल्ट आईडी पे। तो आईडी यहाँ पे भी है, बैटरी की आईडी पे 1 वोल्ट और थर्मल पे 2.7 वोल्ट है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आईडी थर्मल पे भी वोल्टेज आ रहा है, पॉजिटिव पे भी वोल्टेज आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव पे नहीं आता है, ठीक है, वो तो सही है। हमने ये टेस्टिंग देखा कि ये बैटरी कनेक्टर का कंडीशन सही दिख रहा है। अब हम चेक करते हैं वीपीएच पावर बन रही है नहीं बन रही। तो यहाँ पे देखिए वीपीएच पावर नहीं बन रही है, यहाँ पे वीपीएच पावर नहीं बन रही है। आप देख सकते हो अगर मैं इसको थर्मल पे लगाता हूँ तो ये 2.6 की वोल्टेज शो करा रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ तो ये वीपीएच ड्रॉप शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0.3 वोल्ट, ओनली 0.3 वोल्ट वीपीएच दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस मोबाइल में वीपीएच नहीं बन रहा है। तो चलिए वीपीएच नहीं बन रहा है तो एक बार बैक साइड में देख लेते हैं। पीएमआई लगी हुई है यहाँ पे, और इस पीएमआई के पास में जो क्वाइल है, देखिए पीएमआई पे भी काम हुआ है, ये कॉइल के पास में यहाँ पे वीपीएच है, यहाँ पे भी नहीं है, 0.3 का ही कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बूट कैप है, बूट कैप पे भी 0.3 और दूसरे साइड में 0.1, यानी बूट कैप पे भी पावर नहीं बन रहा है। वी बस इन हो रही है, नहीं यहाँ से वी बस तो इन हो रही है, कैपेसिटर से वी बस इन हो रही है, लेकिन ये आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है ये आईसी। ठीक है, इस आईसी का एक पावर गुड होता है, यहाँ पे जो आपको मिलेगा यहाँ पे इसकी पावर गुड निकलती है इस टीपी पे। तो ये भी देख लो आप, यहाँ पे इसकी टीपी पे पावर गुड 00 है, तो इसके आगे का पीएस होल्ड बगल में होता है जो सीपीयू से आता है वो भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसका वीपीएच ही नहीं बन रहा है बोर्ड में, यानी कि वीपीएच में शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं है, कंडीशन तो ठीक ही है लेकिन वीपीएच नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हमें इस मोबाइल को चेक करना है और इसमें एक इसकी पीएमआई चेंज करनी होगी। तो चलिए ठीक है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार जैक को फिर से निकाल के लगा लेते हैं और कंफर्म करते हैं, क्या पता यहाँ पे सही से जैक लगा ना हो। हाँ ठीक है, ये लगा नहीं था, मुझे ऐसा लगा है कि ये सही से लगा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा था मुझे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वीपीएच बन रही है, देखिए यहाँ पे वीपीएच बन रही है 3.5। ये जो जैक है ना, ये जैक थोड़ा सा लूज पड़ रहा था क्योंकि ये काफ़ी रस्टी है, यहाँ पे कटी हुई है हल्की सी, तो ये हल्की सी टेढ़ी थी, तो इसको हमने प्रेस कर दिया अच्छे से, लेकिन फिर भी उस टाइम वी बस जा रहा था लेकिन वीपीएच नहीं बन रहा था। अभी देखो वी बस अभी भी जा रहा होगा, अभी भी वी बस जा रहा होगा लेकिन वीपीएच अब बन रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट अभी भी जा रहा है लेकिन यहाँ पे अब जो है वीपीएच पावर बन रहा है। तो इसके बाद इसका आउटपुट जनरेट हो रहा नहीं, तो मैं बता दूँ इसके पास में 7 कॉइलें होती हैं, 7 कॉइलों में से एक कॉइल यहाँ पे हायर एलडीओ, जस्ट यहाँ पे लोअर एलडीओ, फिर उसके बाद ये 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड हैं जो कि बक सप्लाई है, ये मेमोरी सप्लाई है, ये कोर सप्लाई है, ये मॉडेम सप्लाई है। मैं बता दूँ क्वालकॉम के फ़ोन में मॉडेम सप्लाई नहीं बनती है, चार्जर लगा के चेक करने पर यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। एलडीओ बनना चाहिए, एलडीओ देखिए 2 वोल्ट का बन रहा है, इसको बोलते हैं हम हायर एलडीओ। दूसरी चीज़, ये एलडीओ स्टेबल है क्या, हाँ स्टेबल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पावर गुड आ रही है पीएमआई की वो आ रही होगी 1.8 और इस पे पीएस होल्ड भी आ रहा होगा। देखिए 1.8 का पीएस होल्ड भी आ रहा है, यानी कि पावर सीक्वेंस होल्ड है। यहीं से हमको समझ में आ गया कि इसमें सीपीयू भी ऑन हो चुका है लग रहा है और इसकी पावर सीक्वेंस होल्ड करा रहा है, पावर आईसी की पावर सीक्वेंस होल्ड करा रहा है। मैं आपको स्कीमेटिक में भी दिखाऊंगा कैसे हो रहा है ये।
तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए पावर सीक्वेंस होल्ड है, कंप्लीट स्टेबल वोल्टेज, मॉडेम पे वोल्टेज नहीं होगी, कोर पे वोल्टेज होगी 0.8, मेमोरी पे 0.9 बन रही है, बक सप्लाई पे 0.8 बन रही है, लोअर एलडीओ पे 1.25 यहाँ पे भी बन रहा है, तो लोअर एलडीओ भी बन रहा है, हायर एलडीओ भी बन रहा है। यहाँ पे पावर आईसी हमें लग रही है कि पूरी तरह से ऑन है। ईडीएल पे हम 1.8 चेक कर लेते हैं, ईडीएल पॉइंट पे हम देखते हैं 1.8 आ रहा है, इसका मतलब कि पावर आईसी मेरा पावर लेवल पे पूरी तरह से ऑन हो चुका है। पावर आईसी पावर लेवल पे पूरी तरह से ऑन हो चुका है, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। पावर आईसी पावर लेवल पे ऑन हो चुका है। और दूसरी चीज़, पीएस होल्ड भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल जो है कंप्यूटर में पोर्ट बनाना चाहिए। अभी क्या है कि ये पीएस होल्ड जनरेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें पावर सीक्वेंस रेडी हो चुका है, इसका पावर सीक्वेंस बन चुका है। अभी पावर सीक्वेंस केवल हमने देखा, इसकी बाकी चीज़ें नहीं देखी, रिसेट देखी, पावर देखी, रिसेट देखी, बाकी आगे हम देखते हैं अब कि ये हमारा पीसी में पोर्ट बनाता नहीं बनाता है। तो पहले मैं आपको स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ बाकी चीज़ें, तो स्कीमेटिक पे चलते हैं। स्कीमेटिक हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। स्कीमेटिक ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पर नज़र आएगा, देखिए ये इसका बोर्ड है। यहाँ पर हमें इसका मैं दिखा देता हूँ कि बोर्ड में जो हमने यहाँ पर बात कही आपको कि ये जो दो टीपी है ये क्या है। एक जो है टीपी 1100 है और एक टीपी 2413 है। तो मैं इसको स्कीमेटिक के अंदर में यहाँ पे डायग्राम के अंदर में लिखता हूँ टीपी 1100, और जब मैं इसमें सर्च करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक टीपी है जिसमें लिखा हुआ है सिस्टम ओके पीएमआई 8952। इसका मतलब है कि पावर आईसी जो पीएमआई है, चार्जिंग आईसी, वहाँ से 1.8 इस टीपी पे आते हुए यहाँ पे जा रहा है। और ये कौन सी बॉल है, ये कौन सी आईसी में जा रहा है, ये पावर आईसी के अंदर जा रहा है पावर ऑन नाम से। फिर पावर आईसी निकाल रहा है पावर ऑन रीसेट सीपीयू को, तो सीपीयू दे रहा है पीएस होल्ड, पावर सीक्वेंस होल्ड, तब जाके ये हमारा ये पावर आईसी अपनी पावर सीक्वेंस को होल्ड कर पा रहा है। तो सीपीयू यहाँ पे जवाब दे रहा है, एमएसएम पीएस होल्ड आ रहा है, सीपीयू यहाँ पे जवाब दे रहा है, इसका मतलब सीपीयू में ये जा रहा है और सीपीयू की पूरी पावर बन चुकी है, सीपीयू पावर ले चुका है, सीपीयू ऑन हो चुका है, पीएस होल्ड इसीलिए दे रहा है। तो अब क्या है कि जब सीपीयू ऑन हो चुका है, पीएस होल्ड दे रहा है, तो ज़रूर हमारा पोर्ट कंप्यूटर में बनना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में हमारा पोर्ट जो है बनना चाहिए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा कंप्यूटर में पोर्ट बन गया तो इसका मतलब है कि इसमें हमें केवल जो ईएमएमसी इसकी उतारी गई है उस ईएमएमसी को ही केवल हमें देखना है, बाकी इसमें ऑन होने के बाद ही पता चलेगा कि थर्मल एरर आ रहा है या फिर नॉट चार्जिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है। लेकिन इस फ़ोन में अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें हम जो है पावर को रिपेयर नहीं करना पड़ेगा मुझे, इसमें तो पावर सीक्वेंस ऑलरेडी बनी हुई है और सीपीयू वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए इसको हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए पावर तो यहाँ पे है, अब हम इसको पोर्ट के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ हीट हो रहा है क्या, देखते हैं, नहीं, बहुत ही नॉर्मल हीटिंग है, हल्की हल्की, यानी कि ये सही है, सीपीयू में लग रहा है कि ऑन हो चुका है। तो अब जो है इसको हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस आईसी की टेस्टिंग तो हमने कर ली, अब हम इसको कंप्यूटर में ऐड करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका पोर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फिर से चलते हैं आपको कंप्यूटर पर लेकर, हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम आपको लेकर चलते हैं। अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ओपन करके रखा गया इसको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को, ठीक है, कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर हमने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे डिवाइस मैनेजर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मैनेज खुला हुआ था, डिवाइस मैनेजर हमने वहाँ पे ओपन कर लिया। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए ओपन हो गया। अब हम इसमें केबल लगाते हैं, देखिए कंप्यूटर में जैसे ये केबल लगाते हैं, यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज लिख रहा है, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज लिख रहा है, और यहाँ पे पोर्ट नहीं आया, कोई भी पोर्ट यहाँ पे नहीं आया, अननोन करके यहाँ पे एक डिवाइस आने अटैच हुआ है। मैं इसको निकालता हूँ और फिर से लगाता हूँ, देखिए नॉट रिकॉग्नाइज ये आ रहा है बार बार, इसका मतलब है कि इसमें जो डीपीडीएम में डायोड लगा होगा ज़रूर वो फॉल्टी होगा। तो देखते हैं डायोड से सॉल्व होता है नहीं होता है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको माइक्रोस्कोप पे कनेक्ट कर, क्योंकि जब तक ये नॉट रिकॉग्नाइज रहेगा तब तक ये फ्लैश नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे हम इसमें काम नहीं कर सकते, इसकी आईएमआई या फिर जो भी इसमें काम करना है फ्लैशिंग का वो नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हम स्वाइप करते हैं तो ऑन तो हो जाएगा लेकिन ये कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे दो डायोड नज़र आ रहे हैं, ये डायोड के फॉल्टी होने से भी अक्सर आपका ये प्रॉब्लम
आता है, ये जो छोटे छोटे दो डायोड दिख रहे हैं इनके फॉल्टी होने से, तो इन्हीं डायोड को हम जो है रिमूव कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा सॉल्व होता है नहीं होता है। तो ये डायोड जो है हमारे पैरेलली लगे हुए हैं सर्किट में, तो इन दोनों को हम रिमूव कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम पेस्ट यूज़ करेंगे और इसको निकाल लेंगे। और जैक को मुझे ढकना है, तो यहाँ पे मैं जैक को हल्का सा ढक लेता हूँ, किसी भी बोर्ड से भी ढक सकते हैं या फिर कोई भी पतरा लगा के ढक सकते हैं। चलिए ढक लेते हैं इसको हम, और अब जो है इसे हम निकाल लेते हैं। अब अगर ये डायोड निकालने से नहीं हुआ तो हमें सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है, तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। ये दोनों डायोड जो है हमने रिमूव कर लिया, और अब जो है इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको कंप्यूटर से अटैच करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है इसकी पोर्ट कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही। तब तक मैं आपको DPDM की GR दिखा देता हूँ। देखिए रिवर्स बायस में DM पे GR है 400 समथिंग, DP पे भी 400 समथिंग, क्योंकि हीट है अभी 500 ऊपर जाएगा, ये फॉरवर्ड में 1800 है, 1800 ये हीट है इसलिए 400-500 आ रहा है, अभी 550 तक ये जाएगा, 600 तक भी जाते हैं। तो देखते हैं DP में, देखिए 300 कुछ दिखा रहा, 400 कुछ दिखा रहा, बोर्ड भी यहाँ पे गर्म है। तो फिर भी ये जो भी दिखा रहा है वो भी ख़राब कंडीशन नहीं है, वो भी सही है। DPDM में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, शॉर्ट सर्किट नहीं है। अभी क्या है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको फिर से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अब जो है नॉट रिकॉग्नाइज का आ रहा नहीं। देखते हैं CPU पे भी, देखो CPU पे भी काम हुआ है, पेस्ट लगा हुआ है CPU में। अगर ये अभी भी नॉट रिकॉग्नाइज करता है तो हमें CPU भी चेक करना पड़ेगा। बाकी उससे पहले हम एक बार पावर IC को भी क्रॉस चेक करेंगे प्रॉपर, उसके बाद ही हम जो है CPU रिवॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कर लेंगे पहले। तो हमने DPDM निकाला, थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसे हम फिर से पावर लगा के यहाँ पे हम PC से इसको कनेक्ट करते हैं। तो PC पर फिर से चलते हैं। ये लग गया PC में और अभी भी नॉट रिकॉग्नाइज ही आ रहा है, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज और कोई भी पोर्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हो सकता है कि हमारा जो CPU है वो फॉल्टी कंडीशन में होगा, इसके लिए हमें CPU को रिवॉल्व करना पड़ सकता है। चलिए हम देखते हैं रिवॉल्व करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एक बार हम पावर IC के पास में और भी चीज़ों को चेक करते हैं। इस कंडीशन में क्लॉक जो है, क्लॉक सिग्नल जो है वो भी हमारा डिस्टर्ब अगर होगा या कम बन रहा होगा तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि क्रिस्टल जो है हमारा, क्रिस्टल तो हमारा यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ कि DSO पे ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है नहीं बन रही है, इसकी बेसमेंट क्लॉक और स्लिप क्लॉक बन रही है नहीं बन रही है। तो थोड़ा सा वेट करिए, DSO में लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसी बोर्ड का टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए DSO सामने नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने DSO में ये जो बटन है सामने यहाँ पे ऑटो बटन, जो इसको हमने प्रेस कर दिया एक बार, ये अपने आप यहाँ पे 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे इस तरह से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी सेटिंग आपको नहीं करना है, ऑटो बटन प्रेस कर दिया, ये हो गया। अब आपको इसमें प्रॉब होगा, ये प्रॉब आपको निकाल लेना है, दिखाइए कहाँ पर है प्रॉब, यहाँ से ये प्रॉब हमें निकाल लेना है। और इसमें देखिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करिए, आप थोड़ा सा दूर आ जाइए। इसमें देखिए यहाँ पे दो वायर है, एक आपका ग्राउंड है और ये आपका टेस्टिंग वाली वायर है। तो ग्राउंड हमें लगा लेना है बोर्ड में, तो चलिए बोर्ड में इसको लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो बोर्ड में हम कहीं पर भी ग्राउंड वाले पोर्शन में इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। याद रहे ग्राउंड अगर कनेक्ट नहीं होगा सही से तो आपको फ्रीक्वेंसी नज़र नहीं आएगी। और अब जो है ग्राउंड हमने यहाँ पे लगाया है, नेटवर्क वाले में ही हमने इसको कनेक्ट किया है, तो मैं इसको बोर्ड पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे किनारे में बोर्ड पे इस पर लगा लेता हूँ, जिससे कि ये कंफर्म रहेगा कि ग्राउंड लगी पड़ी है। ठीक है, और अब हम इसमें पावर इंजेक्ट करते हैं मोबाइल में और ये चेक करते हैं कि इसकी क्रिस्टल पे जो भी वोल्टेज, रिक्वायर वोल्टेज है वो बन रही है नहीं बन रही है, वोल्टेज बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बन रही है नहीं बन रही है।
तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक कंपोनेंट है, इस पे हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ अजीब दिख रही है हमें। अब हम ऑटो बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉब हमने इस रजिस्टर पे लगाया है क्रिस्टल के जस्ट नीचे, और ऑटो बटन को हमने प्रेस किया। जस्ट हम वेट करेंगे। दैट ओहो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या है देख लो आप, फ्रीक्वेंसी 26 मेगाहर्ट्ज़ बन रही है। 26 मेगाहर्ट्ज़। अगर हम इसको चेंज करते हैं दूसरे साइड में, यहाँ पे दोनों साइड में है रजिस्टर के फ्रीक्वेंसी। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ रजिस्टेंस। ये देखो, यही वो रजिस्टेंस है बेसबैंड क्लॉक की। इस पर यहाँ पे भी आपका 26 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पे भी 26 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें किसी ने काम किया है। और उसने काम क्या किया है, उसने गलती से यहाँ पे क्रिस्टल दूसरा डाल दिया है जो कि MTK में यूज़ होने वाला है। और ये क्रिस्टल यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ बनना चाहिए। तो पावर IC से जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, वो फ्रीक्वेंसी 26 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास क्रिस्टल से एम्पलीफाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ आई है। इसीलिए हो सकता है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बनने की वजह से पावर सीक्वेंस तो बन चुका है, लेकिन CPU फ्रीक्वेंसी लेवल पे सही वर्क नहीं कर पा रहा है, इसीलिए पोर्ट नहीं बना पा रहा है। मुझे अब ये ऐसा ही लग रहा है पूरा। अब ये तो ठीक है, इसकी स्लिप क्लॉक भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे CPU के बैक साइड में होता है ये कंपोनेंट। मुझे अगर ये सही से याद होगा तो ही उपाय, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जो भी हो। नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ ऐसा कौन सा कंपोनेंट है वो। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको ये दिखा दूँगा स्कीमेटिक में कि ये जो है कहाँ पे है। तो स्कीमेटिक पे चलते हैं। देखिए स्कीमेटिक है इसका, इसमें हमको यहाँ पे लिखना है। आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा कि अगर हम पावर ऑन रीसेट पे कॉपी करके क्लिक करें तो ये CPU पे जाएगा। CPU पे आया, ये CPU नहीं है, ये PMI है। और एक बार मैं और क्लिक करूँगा तो अब ये CPU पे जाएगा ही। देखिए ये CPU पे आया, और CPU के पास में थोड़ा सा इसको मैं सामने कर लूँ, ये CPU है MSM8953। इसके पास में यहाँ पे ऊपर में स्लिप क्लॉक दिख रहा है, और ये बेसमेंट क्लॉक दिख रहा है। बेसमेंट क्लॉक हमने ऊपर वाला देखना है। तो बेसमेंट क्लॉक वाले में तो हमने रजिस्टर चेक किया, 19.2 की जगह 26 बन रहा है। स्लिप क्लॉक, बेसमेंट क्लॉक का रजिस्टर अब देख लो, कॉपी किया, सर्च किया, यहाँ पे देखो एक रजिस्टर दिख रहा है, ये रजिस्टर पे ही हमने चेक किया है। दूसरी चीज़ बैक आ जाते फिर से हम स्लिप क्लॉक को हमें चेक कर लेते हैं। स्लिप क्लॉक को कॉपी किया, और स्लिप क्लॉक में यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे स्लिप क्लॉक में एक रजिस्टर है जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है R1105। इसको हम बोर्ड में यहाँ पे सर्च करते हैं, R1105। और जब सर्च करते तो ये CPU के पास में ही होता है। ठीक है, ये CPU के पास में ही है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट में कंफर्म कर लूँ। मैं पहले देख लेता हूँ ये कहाँ पे है CPU के पास में। CPU के जस्ट ऊपर है ये, CPU के नीचे है ये, और यहाँ पे ठीक है। अब मैं यहाँ कंफर्म कर चुका हूँ ये कहाँ पे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आ जाते हैं हम। ठीक है, तो DSO पे हम आ चुके हैं फिर से। अब जो है आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, मैं इसको लगा लेता हूँ। देखो पावर तो कनेक्टेड है इसमें, मैं एक बार दिखा दूँ फिर से आपको फ्रीक्वेंसी 19.2 मेगाहर्ट्ज की जो बेसबैंड क्लॉक है, आप देख सकते हो ये अभी जो है फिलहाल में नहीं बन रहा है। मैं अब चार्जर लगाऊंगा इसमें, देखिए बन रही है 19.2 की जगह पे 26 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अभी हम इसका बेसबैंड क्लॉक चेक करते हैं, बेसबैंड के बाद स्लिप क्लॉक चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये है, ये वाली जो कंपोनेंट है इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिख रही है यहाँ पे स्लिप क्लॉक हमें, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी चलती हुई दिख रही है। मैं ऑटो बटन प्रेस करता हूँ इसमें, देखिए फ्रीक्वेंसी अभी भी कुछ भी यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है। सही फ्रीक्वेंसी ये हमें नहीं दिखा रहा है स्लिप क्लॉक का। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना चाहिए, देखिए हम प्रॉब को यहाँ पे लगा कर रखेंगे इस रजिस्टर पे, और यहाँ पे हम टाइम डिवीज़न को चेंज करने वाले हैं। वोल्टेज को हम कर लेंगे
1 वोल्ट, और जो हमारा टाइम है उसको नैनो सेकंड में करना है। फाइव हंड्रेड नैनो सेकंड हमने कर लिया यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे हमें स्लिप क्लॉक नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक बार निकाल के चार्जर को फिर से लगाऊंगा, नहीं केवल ये एक स्लोप बन रहा है, बाकी इसमें जो है कुछ भी नहीं आ रहा। बस यहाँ पे एक बार स्लोप बना था और कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे, बस यही एक बार स्लोप बन रहा है। नहीं, यहाँ पे स्लिप क्लॉक भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये टाइम डिवीज़न मैं और चेंज करके देख लेता हूँ। नहीं, यानी कि ये हमें नहीं मिल रहा। हाँ अच्छा ठीक है, बन रहा है। यहाँ पे 20 माइक्रो सेकेंड पे आपको दिख रहा है ये क्लॉक बन रही है, दिख रहा है यहाँ पे 20 माइक्रो सेकेंड पे 26.39 किलो हर्ट्ज़, जबकि 32 किलो हर्ट्ज़ होता है ये, और जो हमें बन रहा है यहाँ पे 26 किलो हर्ट्ज़। और इसके दूसरे साइड नहीं है, केवल यहाँ पे एक साइड में हमें दिख रहा था। मैं एक बार चार्जर लगाता हूँ, ये ऑफ हो गया होगा। चार्जर निकाल के लगाने के बाद यहाँ पे अभी फ्लैक्चुएशन हो रहा है, जो कि पहले बन रहा था, तो ये ग्राउंड भी हिल सकता है मेरा। देखिए दोस्तों, पावर कट होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। अभी हम यहीं पे क्लॉक चेक कर रहे थे, तो जब हम यहाँ पे क्लॉक चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखे DSO में 26 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 26 दिख रहा है। और जब हम इसके दूसरे साइड चेक करते हैं रजिस्टर के, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, रजिस्टर के दूसरे साइड भी दिख रहा है, ठीक है। तो 26.2332 किलो हर्ट्ज का नज़र आ रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आपको यहाँ पे रख के सीधे ऑटो बटन दबा देना है। ऑटो बटन जैसे आप दबाओगे तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी देखिए दिख नहीं रही है, लेकिन आपको यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रही, यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड हो गया, ये पे 50 मिली वोल्ट हो गया। तो हम वोल्टेज को चेंज करके 1 वोल्टेज पे ला लेंगे। देखिए यहाँ पे वोल्टेज को 0.5 पे रखा तो ये बड़ी साइज़ बन रही है, 1 वोल्ट पे कर लिया इसको, अब यहाँ 26 हमको दिखने लगी अपने आप। ये 5 माइक्रोफेरेड है, काफ़ी गैप ज़्यादा है। जब हम इसको 20 के पास ले जाएंगे, 20 माइक्रो फेरेड के पास में, या 50 माइक्रो सेकेंड फेरेड बोल रहा हूँ मैं, माइक्रो सेकेंड, मैं इसको जितना पास लाऊंगा वो इतना डार्क होता जाएगा। तो ये हमारा बन रहा है 26.4 किलो हर्ट्स, जबकि 32 किलो हर्ट्स होती है, ठीक है। ये तो कभी कभी कम बनती भी है किसी फ़ोन में, लेकिन यहाँ पे जो 26 मेगा हर्ट्स बन रहा है वो सही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें जो है क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हमें इस क्रिस्टल को सबसे पहले बदलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिस्टल किसी ने हो सकता है चेंज किया होगा। तो आई थिंक किसी को ये शायद पता नहीं होगा कि MTK में ये होता है 26 मेगाहर्ट्ज़। जिसने भी इसे चेंज किया है उसे शायद पता नहीं होगा कि ये MTK में होता है 26 मेगाहर्ट्ज़। तो ये क्रिस्टल हम बदल लेते हैं दूसरे फ़ोन से निकाल के। तो मैं इस वाले स्क्रैप से इसको निकाल के, ये वाली क्रिस्टल देखो फ्रेश है, और इसको भी हम डाल सकते हैं, या फिर किसी भी मोबाइल से निकाल के हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो क्वालकॉम का लगभग सेम कंडीशन का होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो है वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, और फिर इसके जगह पे हम दूसरा क्रिस्टल डाल के फिर से हम फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। मैं बता दूँ 26 किलो हर्ट्ज़ में स्लिप क्लॉक कई बार चल जाता है, बहुत सारे फ़ोनों में चल जाता है, लेकिन 32 किलो हर्ट्ज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम जो है ये निकल गया बाहर, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये क्रिस्टल ही है जो निकला है, इसके अंदर में एक रजिस्टर होता है, वो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और इसमें ये वाली क्रिस्टल हम फिट करेंगे।
जो दूसरा स्क्रैप बोर्ड है हमारा, उसमें से ये निकालेंगे। सॉरी, ये निकल गया। और अब हम जो है यहाँ पे इसको ठीक है अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर इसको हम चेक करेंगे कि इसमें जो है अभी कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है और ये कंप्यूटर से अब अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देते बोर्ड को। काफ़ी हीट है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगेगा। चलिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं, हो गया लगभग ये ठंडा। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे पावर डाल के फिर से। देखिए पावर हमने इसमें लगा दिया और DSO से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे इस पर हम फिर से पावर लगा DSO का ग्राउंड केबल लगा देते हैं। और यहाँ पे ये कंपोनेंट पे हम चेक करते हैं पहले, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम सही से इसको लगाते हैं। देखिए ये बनती हुई नज़र आ रही है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो हम इसलिए ऑटो बटन को प्रेस कर देंगे। इसमें जो ऑटो बटन का फीचर दिया हुआ है उसको हमने प्रेस किया, थोड़ा सा वेट किया और ये मे भी शायद कनेक्टेड नहीं था ये, इसलिए ऐसा हुआ। और एक बार मैं फिर से यहाँ पर इसको लगाता हूँ और चार्जर को निकाल के मैं लगाऊँगा और फिर से ऑटो बटन को प्रेस करूँगा। ठीक है, ये मिली वोल्ट को हम जो है 1 वोल्ट कर लेते हैं और जो हमारा टाइम है इसको चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं और कम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 19.2 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पे आपको दिख रहा है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी अब यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि पहले कितनी थी 26, अभी क्या है 19.2 एग्जैक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब हम एक बार जो यहाँ पे स्लिप क्लॉक को भी चेक कर ही लेते हैं जब करते हैं, तो यहाँ पे स्लिप क्लॉक जो है हमें सिंगल ड्रॉप में दिख रहा है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे जो सिंगल ड्रॉप दिख रहा है इसको हमें कम करना है। देखिए अभी भी 26.38 है। ठीक है, ये तो चलता है। मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ कि पीसी में पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा है। तो चलते हैं पीसी पे और पीसी पे हम ये देखेंगे कि इसमें पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है, अब जो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखिए अब नॉट रिकॉग्नाइज यहाँ पे नहीं आया और इसका जो पोर्ट है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, क्वालकॉम का HS USB पोर्ट, यानी कि इसमें जो है हमारा ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। जो नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा था वो इसकी वजह से, ये केबल थोड़ी सी हिल भी रही है, ठीक है, यहाँ पे जो नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा था अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, ये केबल थोड़ा सा लूज है। देखिए यहाँ पे पोर्ट हमारा शो हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम अब इसमें बैटरी लगाएंगे तो ये पोर्ट कंटिन्यू बना रहेगा। इस कंडीशन में हम अब क्या कर सकते हैं, इसकी EMMC रीप्रोग्राम कर सकते हैं या फिर इसके अंदर में स्वाइप का काम कर सकते हैं, इस बोर्ड को स्वाइप कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम निकल सकती है, जैसे कि थर्मल एरर, फेक चार्जिंग,
नेटवर्क का नो सर्विस, तो ये सब फ़ोन ऑन होने के बाद की बात है कि उसको कैसे रिपेयर करते हैं। लेकिन ये बोर्ड पावर लेवल पे तो काम करेगा, और जैसे इसमें स्वाइप करेंगे हम दूसरी MMC CPU को, तो इस बोर्ड पे भी मोबाइल ऑन हो जाएगा। और ये बोर्ड हमारा जो स्क्रैप बोर्ड था, और उस स्क्रैप बोर्ड को जो है इतना टेस्टिंग इसमें कर लिया गया है कि ये जो स्क्रैप बोर्ड है अब ये चलने लायक हो चुका है। यानी कि इसमें हम कोई भी मोबाइल, अगर कोई बोर्ड मेरे पास होता है जो कि डेड है, डैमेज है, टूटा हुआ है, तो उसकी MMC CPU उतार के इसमें लगा सकते हैं और वो मोबाइल पूरा ऑन होगा, क्योंकि इसमें अब पावर सीक्वेंस बन चुका है और ये पूरी तरह से कंप्यूटर पे अब फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी काम कर रहा है, यानी पोर्ट बना रहा है। एक प्रॉब्लम और आ सकता है इसमें, जैसे कि इसकी जो डेटा क्लॉक कमांड की लाइन में जो रजिस्टर लगे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, डेटा 0 से डेटा 7 तक की जो इसकी बॉल है वो भी ओपन हो सकती है, कोई भी बॉल, तो उनको भी हमें चेक करना होगा। नहीं तो हमारा ऐसा होगा कि MMC डालने के बाद ऑटो पोर्ट आएगा, तो वो कंपोनेंट और वो ट्रैक भी हम इसको चेक करके उसकी जो है प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करने के बाद हम MMC लगाते हैं, ताकि हमें कोई भी यहाँ पर डाउट ना रहे। और MMC के अंदर भी प्रॉब्लम होता है तब भी हमारा ऑटो पोर्ट आता है, या फिर इसकी MMC जो होती है इसकी सेम मॉडल की MMC जो इसके अंदर सपोर्टेड होगी, यानी कि कंफर्टेबल नहीं होगी, तो भी हमारा ऑटो पोर्ट डायरेक्ट शो करेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें। और हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से, सीट बुकिंग चल रही है, तो सीट बुकिंग कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कॉन्टैक्ट करके सीट बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू।